हेलो, नींबू, कागजी नींबू, सिट्रस लिमोन, क्या है ये? और जानते तो हम सब हैं, बट इसके फायदे क्या क्या हैं, आज इसके बारे में थोड़ी डीप डाइव करेंगे। तो जो साधारण सा दिखने वाला हमारा कागजी नींबू है, वो नेटिव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। यहाँ से पैदाइश शुरुआत हुई थी, तो भारत की देन है नींबू पूरी दुनिया को, जो हमें पकने के बाद पूरा ब्राइट येलो में मिलता है और नहीं पका हो तो हरा मिलता है नींबू। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही डिस्टिंक्ट खट्टा स्वाद, जिसमें बहुत सारी साइट्रिक एसिड होती है, बहुत सारी विटामिन सी होती है। विटामिन सी जो हमें चाहिए एक हेल्दी गम के लिए। आपको याद होगी स्कर्वी अपने स्कूल की किताबों से कि कैसे जो सी फेयरर्स थे उनको विटामिन सी की डिफिशियंसी से यहाँ तक मौत भी हो जाती थी। जब बाद में पता चला कि विटामिन सी हमें नींबू से मिलती है और वो हमारी न केवल दांत की हेल्थ, ओवरऑल बोन हेल्थ, स्किन हेल्थ सब में काम करती है। एक नॉर्मल इंसान को, एडल्ट को दिन में 60 मिलीग्राम तक चाहिए विटामिन सी। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आपको खाली दो नींबू अगर दिन का आप इस्तेमाल करें तो आपको दूसरे किसी विटामिन सी के सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आर्टिकल देखी मैंने nutritionfacts.org, डॉक्टर नील की जो वेबसाइट है उसके ऊपर में काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट थी। वो उसका निचोड़ ये है कि प्रतिदिन हमारे शरीर में 800 वार होते हैं, हमारे डीएनए पे डीएनए डैमेज की कोशिश होती है हर घंटे 800 बार, जो कि अगर आप दिन का कैलकुलेट करें तो 19,000 अटैक होते हैं हमारे डीएनए पे। और दुनिया के अलग अलग डीएनए प्रोटेक्टिव फूड्स की जो रिसर्च की गई उसमें ये पता चला कि इन सब में जो चाहे जितने भी महंगे फूड सोर्सेज हों, हमारा जो हम्बल साधारण सादा जो नींबू है खुशबूदार, वो डीएनए अटैक को एक तिहाई तक कम करने की कैपेसिटी रखता है। ये है nutritionfacts.org की लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप सब जिसको इस वीडियो में भी देख पाएं और पॉडकास्ट पे भी उस लिंक को चेक कर पाएं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसोर्स मिली मुझे जो कि बेनिफिट्स ऑफ लेमन के बारे में बात करती है। 6 एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स ऑफ लेमन विच इज पब्लिश्ड ऑन healthline.com, वो भी लिंक आपसे शेयर करूंगा। नंबर वन चीज जो हमारी जो नींबू है उसका फायदा है, ये सपोर्ट करती है हार्ट के हेल्थ को। एक नींबू से जैसे मैंने पहले बताया आपको 30 से 31 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है, जो कि हमारे दिन के 51% की रिक्वायरमेंट के बराबर होती है। ये हार्ट डिसीज और स्ट्रोक के रिस्क को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करती है, थैंक्स टू हेस्पेरिडिन एंड डायोसमिन कंपाउंड जो कि नींबू में पाए जाते हैं। नंबर दो, ये वेट रिडक्शन में मदद करती है। इसके पीछे बहुत साइंटिफिकली क्लियर कट आइडिया नहीं है कैसे काम करती है, बट जो लोग नींबू पानी पीते हैं या फिर जब भी हम नींबू निचोड़ रहे होते हैं, तो केवल वो निचोड़ना नहीं है बट उसकी जो पल्प है उसको भी पानी में मिलाना है, जिसमें पेक्टिन फाइबर्स होते हैं जो कि आपको ज़्यादा देर तक एक फुलनेस की फीलिंग देते हैं, तो आपको जल्दी खाने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर तीन, किडनी स्टोन्स की जिनको परेशानी है उनको नींबू जरूर से लेना चाहिए। इसमें जो सिट्रिक एसिड होती है वो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाती है और साथ के साथ हमारे यूरिन के पीएच को भी बढ़ाती है, जिससे एक लेस फेवरेबल इन्वायरमेंट बनता है किडनी के अंदर में स्टोन्स फॉर्मेशन होने का। तो कितना लेना है, कम से कम 1 से 2 नींबू दिन में प्रति व्यक्ति इस्तेमाल करना है आपको। कैसे, नींबू पानी में पिए उसको, हालांकि नींबू पानी पीते समय उसमें चीनी ना डालें, केवल प्लेन नींबू और पानी। जैसे मैं करता हूं तो मैं उसमें उसको एल्कलाइन बनाने के लिए थोड़ी हिमालयन रॉक सॉल्ट डालता हूं, आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं 1 चम्मच उसमें अदरक का पाउडर डालता हूँ, तो बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके, उसका अलग बेनिफिट होता है। तो ये एक रेसिपी मैं शेयर कर दूंगा, हमारे जो वीडियो लिंक है उसमें आप वो भी देख पाएंगे कि आप कैसे एक इंटरेस्टिंग लेमन वाटर बना सकते हैं बिना चीनी के इस्तेमाल किए। नंबर 4 पे है, ये आपको एनीमिया से बचाता है, क्योंकि इसमें आयरन तो होती है बट उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, बट ये आयरन दूसरे फूड सोर्सेज से एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है और इसमें दोनों विटामिन सी और सिट्रिक एसिड का काम होता है। नंबर 5 पे है, ये कैंसर के रिस्क को कम करता है। कितनी कमाल की बात है, इसमें डी लेमिनिन और नेविजेनिन नाम के दो कंपाउंड पाए जाते हैं जिनके ऊपर में रिसर्च चालू है, बट एनिमल मॉडल्स में ये लोग, ये जो दो कंपाउंड है ये एंटी कैंसरस इफेक्ट दिखा पाए हैं। नंबर 6, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, पेक्टिन फाइबर जिसको मैंने पहले बताया। तो नींबू जब आप निचोड़ें तो चम्मच का इस्तेमाल करके उसके पल्प को भी निकाल लें, हालांकि नींबू का जो छिलका है सारे इसेंशियल ऑयल्स उसी में होते हैं जो अक्सर हम फेंक दिया करते हैं।
और अगर आप याद करें जो नींबू की खटमिटी बनती है हमारे यहाँ, कितनी शानदार बनती है वो, और उसमें छिलके का जो फ्लेवर है वो सालों साल तक हमारी माताएं बहनें उसको एक अचार के रूप में प्रिजर्व करके रख पाई हैं। तो ये सब थोड़े फायदे थे। इसके साथ साथ नींबू पानी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में हाइड्रेशन के लेवल्स को मेंटेन करता है, आपके चेहरे पर कम रिंकल्स आएंगी। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है वो स्टिमुलेट करती है कोलेजन के फॉर्मेशन को, और जैसे आपको मालूम है कि जो त्वचा है और उसमें सिकुड़न ना आए, रिंकल ना आए, उसमें कोलेजन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो नींबू पानी पिएं, नींबू का इस्तेमाल करें, ये ना केवल आपके कोलेजन को बढ़ाएगा बल्कि ये आपके जो फ्रेशनेस ऑफ ब्रेथ है उसका भी ख्याल रखेगा। तो जिन लोगों को मुंह से बदबू की परेशानी होती है, प्रॉपरली हाइड्रेट करें, नींबू पानी पिएं, इसके फायदे ही फायदे हैं और नुकसान तो शायद बिल्कुल नहीं है, अनलेस एंड अंटिल आपको डॉक्टर ने मना किया हो कि आप नींबू इस्तेमाल ना करें, जो कि बहुत बहुत रेयर होगा। तो ये थी हमारी एपिसोड ऑन सुपर फूड लेमन। इंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में इस जानकारी वाले वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। अमित शेखर, इंडी मसाला।